गाइस फाइनली Realme 11 Pro 5G को एक न्यू अपडेट दिखने को मिल चुका है इंडिया में। तो ये अपडेट आपको करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में बताऊंगा। और ये अपडेट में क्या क्या नया फीचर आपको ऐड होंगे और क्या बग दिखने को मिला है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइस सबसे पहले इस अपडेट का मैं वर्जन बता देता हूं, 14.0.0.91 का ये वर्जन होने वाला है अपडेट का। और इस अपडेट का साइज की बात करें तो आपको इस अपडेट में आपको 22 MB का नहीं तो 36 MB का इस अपडेट का साइज दिखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये 114 अपडेट है लेकिन पर इतना कम एमबी का ये अपडेट क्यों है। तो पता नहीं ये रियलमी यूआई का कोई बग होगा इसलिए इतना एमबी का दिखने को मिलता है अपडेट। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो अपडेट सारी यूजर को दिखने को नहीं मिला है। तो ऑफिशियल वर्जन नहीं यहाँ पर मेंशन किया गया, लेकिन ये ऑफिशियल वर्जन नहीं है, यहाँ पर बीटा अपडेट ही है। क्योंकि बीटा अपडेट में जो जो बग दिखने को मिलेगा रियलमी को, वो नेक्स्ट अपडेट में जो स्टेबल अपडेट आएगा इसमें फिक्स किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा बग भी दिखने को मिल चुका है इस अपडेट के बाद। तो बग तो नहीं बोलेंगे, मेजर इशू ही इसको बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस अपडेट को करने के बाद मोबाइल का बैटरी ड्रेन और मोबाइल हीटिंग प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है और कैमरा इशू भी दिखने को मिल रहा है। तो इस तरह आपको वो प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा आप बीटा टेस्टर हो तो गाइस आप बीटा टेस्टर हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये अपडेट आप कर चुके हैं या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस अपडेट आप करना चाहते हो तो इसका फीचर मैं आपको मेंशन कर देता हूं यहां पर। तो गाइस आप जाएंगे तो आपका अबाउट फोन पर यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि अंडर 14 अपडेट रियलमी यूआई 5.0 इसमें क्या क्या मेंशन किया गया फीचर यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस सबसे पहले इस अपडेट का साइज यहां पर देख सकते हैं बहुत कम साइज का एमबी का अपडेट है, लेकिन यहां पर ज्यादा फीचर यहाँ पर मेंशन किया गया, ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फोन मैनेजर पे आपको चेंज दिखने को मिलेगा, न्यू यूआई यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको फाइल मैनेजर पे भी आपको फीचर दिखने को मिलेगा, नया फीचर न्यू यूआई दिखने को मिलेगा सिंपल यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फाइल मैनेजर पे भी चेंज होगा, यहाँ पर आपको फोन मैनेजर पे भी चेंज दिखने को मिल जाएगा। तो अभी अपडेट नहीं आया लेकिन यहाँ पर रियलमी यूआई 5.0 का जो फीचर है यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं थोड़े थोड़े। और जैसे कि सारे डिवाइस में जो स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन है यहाँ पर, जो बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन है यहाँ पर हट जा रहा है, इसे भी यहाँ पर हट जाएगा। तो आप बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन यूज कर रहे हो तो अभी आप यूज नहीं कर पाओगे इस अपडेट के बाद। जैसे कि आपको पहले भी यूआई दिखने को मिल रहा था रियलमी का, वैसे ही आपको दिखने को मिलेगा सिंपली, और कोई ज़्यादा चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा आपको रियलमी यूआई में। तो बस इतना ही। तो पहले जो अपडेट आते थे रियलमी के, जो मेजर अपडेट आते थे रियलमी का यूआई थोड़ा चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पर कोई भी ज़्यादा चेंज दिखने को नहीं मिलेगा। एक बैड न्यूज है ये, जैसे कि रियलमी यूआई 4.0 हो गया, जैसे कि रियलमी यूआई 3.0 हो गया, वैसे ही यहाँ पर चेंज होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो आप बीटा टेस्टर के लिए अप्लाई भी करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, मैं एक वीडियो बना के दे चुका हूँ मेरे चैनल पर, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर आई बटन पर दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो और देख के अप्लाई कर सकते हो गाइज। तो वो वीडियो सारे डिवाइस के लिए एप्लीकेबल, ऐसे नहीं कि रियलमी 11 प्रो 5G के लिए है, तो सारे डिवाइस ऐसे ही अप्लाई हो सकते हैं। तो चलिए आपको मैं और फीचर भी बता देता हूँ जो ये डिवाइस में आए हैं। तो अभी फीचर कम नहीं हुए, तो बहुत सारे फीचर ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर आपको साइड बार पर डॉक्यूमेंट भी दिखने को मिल जाएगा, तो आप डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं यहाँ पर। तो और आपको न्यू AOD दिखने को मिलेगा, तो सिक्योरिटी ऐप में चेंजेस दिखने को मिलेगा जो आपको मैं पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कर दिया जाएगा, जो कि अभी प्राइवेसी और सिक्योरिटी था, तो ये दोनों को मर्ज कर दिया है यहाँ पर। तो अच्छी बात यह कि आपको एक ही जगह पर ये दोनों चीज़ दिखने को मिल जाएगा। तो डिवाइस शेयरिंग कनेक्टिविटी में यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो आपका डिवाइस शेयरिंग पर एक इंडोज ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, नाम यहाँ पर ऐड हुआ है इस अपडेट के बाद। तो देखते हैं अपडेट के बाद आपको मैं दिखा दूंगा तो आप कंफर्म हो पाएगा। तो क्योंकि अभी मैं अपडेट नहीं किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बीटा अपडेट में बहुत सारा प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है, इसलिए मैं अपडेट नहीं किया हूँ यहाँ पर। इसलिए मैं आपको पहले ही वार्निंग कर देता हूँ ये अपडेट के बारे में, जब ये अपडेट स्टेबल में आएगा मैं तब ये अपडेट कर लूंगा। तो आप भी ये डिवाइस का स्टेबल अपडेट के लिए वेट भी कर सकते हो। तो ये अपडेट भी आपको 20 डेज के अंदर अंदर दिखने को मिल जाएगा। तो ये अपडेट जब स्टेबल में आएगा मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो गाइस आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। तो गाइस ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस।